नमस्कार, मैं हूं अश्वनी उम्मीद लखनवी और आज इस डिवाइन मेलोडीज की काव्य श्रृंखला की नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज की इस काव्य संध्या का शीर्षक है नारी अभिव्यक्ति। इसमें हमारे मुंबई की प्रमुख कवियत्रियां हिस्सेदारी कर रही हैं। वे अपनी रचनाएं लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी और एक एक करके अपनी सारी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। और इसी के साथ मैं डिवाइन मेलोडीज की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा शानदार मंच दिया जिसके माध्यम से हम अपनी रचना प्रस्तुत करने के तुरंत बाद ही पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसा संचार माध्यम है जिसका ये बखूबी उपयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इस डिवाइन मेलोडीज की पूरी संस्था को। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो शाम है वो नारी अभिव्यक्ति के नाम है। इसमें सभी कवियत्रियां अपनी रचनाएं पेश करेंगी, परंतु वो रचनाएं सभी वर्ग के लिए होंगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए उन रचनाओं का महत्व होगा। मेरी रचना की दो पंक्तियां हैं, उससे मैं आरंभ करना चाहता हूं। संपूर्ण विश्व में यदि कहीं पर भी सीता और सावित्री है, संपूर्ण विश्व में यदि कहीं पर भी सीता और सावित्री है, मैं ये गर्व से कहता हूं केवल भारत की स्त्री है। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। और एक एक करके मैं सबका इंट्रोडक्शन दूंगा, सबका परिचय दूंगा जब वो मंच पर आएंगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच भारत के प्रमुख कवि, लेखक और पत्रकार सम्माननीय आदरणीय श्री अभिलाष अवस्थी जी मौजूद हैं। और निश्चित ही ये हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। कोई भी काव्य संध्या हो, कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम हो, हमारे इस समाज में, ये काव्य का जो समाज है उसमें एक प्रथा है कि हम ईश्वर को याद करते हैं। और जब साहित्य की बात होती है तो मुख्य रूप से सरस्वती जी को याद किया जाता है। लेकिन चूंकि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उनको पुष्प अर्पित करें और दीप जलाएं, लेकिन शब्दों के पुष्प के माध्यम से हम उनको अपनी जो हमारी भावना है वो अर्पित कर सकते हैं। तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं इस संदर्भ में। पुष्प शब्दों के मैं भी चढ़ाता रहूं, पुष्प शब्दों के मैं भी चढ़ाता रहूं, हर अंधेरे में दीपक जलाता रहूं, और ज्ञान की ज्योति तुमसे मां मिलती रहे, मैं उसी में सदा जगमगाता रहूं, मैं उसी में सदा जगमगाता रहूं। शुक्रिया। चलिए, कहने को बहुत कुछ है, बीच बीच में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करता रहूंगा, परंतु बिना समय गवाए मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करना चाहता हूं। और हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई की प्रमुख 5 कवियत्रियां मौजूद हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से भी और डिवाइन मेलोडीज की तरफ से भी। तो इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसी कवित्री को जो बहुत अच्छी कवित्री तो है ही, और साथ ही साथ उसमें उनमें बहुत सारे असाधारण गुण भी हैं जो एक आम आदमी में आप शायद कम ही पाएंगे। तो एक परिचय के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है एक पर्सनैलिटी डेवलपर हैं। आप ध्यान दीजिएगा उनकी जो गुण है उनमें, वो एक ही इंसान में इतने गुण बड़ी मुश्किल से मुझे दिखे। और एक डिजिटल अलंकरण करता है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जब वो आए तो इसको जरूर एक्सप्लेन कर दें कि डिजिटल अलंकरण करता क्या होता है। और एक इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर भी हैं, और जो वृद्धाश्रम होते हैं उनमें अपनी सेवाएं देती रहती हैं, बच्चों की देखभाल से अगर संबंधित कुछ समस्याएं हैं या महिलाओं के कुपोषण की कुछ समस्याएं हैं, उनके प्रति जागरूकता फैलाती रहती है और अभियान चलाती रहती है। बहुत बहुत बधाई। और नशा मुक्ति अभियानों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। नारी
सशक्तिकरण और बाल विकास अभियान में सहभागिता करती हैं एवं पर्यावरण एवं समुद्री पक्षियों के संरक्षण में भी लगातार प्रयासरत रहती हैं। तो जो कि ये इनके जो गुण हैं वो असाधारण गुण हैं, तो अगर उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए तो कुछ असाधारण पंक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति भी बहुत जागरूक हैं। तो मैं उनको इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा। हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए। अच्छा। हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, सिस्टम को दोष दीजिए और भूल जाइए, और कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे। पर्यावरण बचाइए, बेटी बचाइए, पर्यावरण बचाइए। इसी के साथ मैं आवाज देता हूँ नंदिता मांझी शर्मा जी को, जो हमारे बीच मौजूद हैं, वो आए और अपनी उत्तम रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं नंदिता मांझी शर्मा मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ डिवाइन मेलोडीज के इस नए एपिसोड में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डिवाइन मेलोडीज के तहजीब प्रोग्राम का और इसके संस्थापक आदरणीय किशन सेठी जी का और आज के हमारे संचालक महोदय का, साथ ही मेरी साथी कवि कवित्रियों का और जो तमाम श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। इसकी शुरुआत मैं करती हूँ चंद पंक्तियों से जो श्री राम जी पर आधारित है, मेरे एक दोहे के रूप में। जप तप वंदन साधना पूजन आठोया, जप तप वंदन साधना पूजन आठोया, विस्मृत मानव के सदा अंतर मन मेरा, विस्मृत मानव के सदा अंतर मन मेरा। जय श्री राम। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ जो कि नारी सशक्तिकरण पर आधारित है, नारी का अधिकार सम्मान युक्त श्रृंगार। अधिकार है हर नारी का, अधिकार है हर नारी का सम्मान युक्त श्रृंगार की, अधिकार है हर नारी का सम्मान युक्त श्रृंगार की, नजरों के अलंकरण से परे सम्मान के अलंकार की। अपना पक्ष बेखौफ रखे, अपना पक्ष वो बेखौफ रखे, ना ओट हो किसी दीवार की, ध्यान से सुनिएगा, अपना पक्ष वो बेखौफ रखे, ना ओट हो किसी दीवार की, और मुंह न मोड़े कोई जब बात हो उसके अधिकार की। बहुत अच्छा। ससुराल में भी मिल जाए कभी कुछ बूंदे मायके के दुलार की, ससुराल में भी मिल जाए कभी कुछ बूंदे मायके के दुलार की, और हम सफर भी बढ़ाकर थामे हाथ रिश्तों के पतवार की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने मेरी कविता को इतना स्नेह दिया। एक दिन पाप बिन, ये मेरी बहुत पुरानी कविता है और मैं जरूर चाहूंगी मेरी कविता आप सभी दर्शकों तक पहुंचे। कभी एक दिन ऐसा भी दिखे झूठ खड़ा रहे मौन, बस सच मिले। बहुत बढ़िया। कभी एक दिन ऐसा भी दिखे झूठ खड़ा रहे मौन, बस सच बिके, खबरों में न हो सत्ता की चाशनी, जब खोलू अखबार कोई झूठ नहीं बस सच दिखे, झूठ नहीं कोई पेट भूखा न सोए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई पेट भूखा न सोए, कोई जीवन न आकी जाए सस्ती, कोई पेट भूखा न सोए, कोई जीवन न आकी जाए सस्ती, हर नारी चले बेखौफ सड़क पर,
हर नारी चले बेखौफ सड़क पर, ब्याही न जाए कोई बेटी जबरदस्ती। कोई पेट भूखा न सोए, कोई जीवन न आकी जाए सस्ती, हर नारी चले बेखौफ सड़क पर, ब्याही न जाए कोई बेटी जबरदस्ती। एक दिन पाप बिन, मेरी अगली कविता। कभी एक दिन ऐसा भी दिखे, कभी एक दिन ऐसा भी दिखे, झूठ खड़ा रहे मौन बस सच बिके। कभी एक दिन ऐसा भी दिखे, झूठ खड़ा रहे मौन बस सच बिके। खबरों में ना हो सत्ता की चाशनी, खबरों में ना हो सत्ता की चाशनी, जब उठे कलम तो केवल सच लिखे, जब उठे कलम तो केवल सच लिखे। कोई पेट भूखा न सोए, कोई पेट भूखा न सोए, कोई जीवन न आकी जाए सस्ती, हर नारी चले बेखौफ सड़क पर, हर नारी चले बेखौफ सड़क पर, बेटी ब्याही न जाए कोई बेटी जबरदस्त। इसके अगली चार पंक्तियां। पाप पड़ा रहे सलाखों में जकड़ा, पाप पड़ा रहे सलाखों में जकड़ा, न्याय पर ना पड़ी हो पैसों की लगाम। पाप पड़ा रहे सलाखों में जकड़ा, न्याय पर ना पड़ी हो पैसों की लगाम, कैद हो जुर्म का हर मंडराता साया, कैद हो जुर्म का हर मंडराता साया, और नष्ट हो दुष्कर्मों की जड़े तमाम, नष्ट हो दुष्कर्मों की जड़े तमाम। आखिरी संकल्पिया मैं समर्पित करती हूँ आप सभी को। कुकर्मों को ना मिले सहारा, कुकर्मों को ना मिले सहारा, झूठी ना कोई खबर बिके। कुकर्मों को ना मिले सहारा, झूठी ना कोई खबर बिके। जब खोलू अखबार कोई, जब खोलू अखबार कोई, जुर्म नहीं बस सजा दिखे, जुर्म नहीं बस सजा दिखे। आप सभी का इसी साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिता मांझी शर्मा जी ने बहुत ही उत्तम रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की, और निश्चित ही ये एक कार्यक्रम के लिए बहुत ही सुंदर आरंभ है। और जब इस तरह की रचनाएं आरंभ में पढ़ी जाएं जो श्री राम से संबंधित हो, नारी सशक्तिकरण से संबंधित हो, तो उस कार्यक्रम का सफल होना तय है। चलिए अब हम एक और प्रमुख कवियत्री को आवाज देते हैं, जिनका नाम है अन्नपूर्णा गुप्ता सरगम। आपके पास स्नातक की डिग्री है, वो भी विज्ञान से, और वे हिंदी में परास्नातक हैं एवं गणित एवं विज्ञान से बीएड हैं। तो बहुत बहुत बधाई उनकी इस ज्ञान यात्रा के लिए। और उनका खुद का वस्त्रों का व्यवसाय भी है। इनका नाम तो अन्नपूर्णा है, परंतु इनका काम सरस्वती जी वाला है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही स्त्री में दो देवियां वास कर रही हैं। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि वे आज हमारे बीच हैं और उनकी रचनाएं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वो भी बहुत उत्सुक थी इस कार्यक्रम में आने के लिए, और मैं भी उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और इसके अलावा उनकी एक पुस्तक है एक नई उड़ान, वो प्रकाशित हो चुकी है, और उसके अलावा एक साझा संकलन है वो भी प्रकाशित हो चुका है। और वे निराला सम्मान और शब्दाक्षर सम्मान से सम्मानित हो चुकी है, और वे आज हमारे बीच हैं। उनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, अन्नपूर्णा गुप्ता, और जो उनका उपनाम है सरगम, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरी ही चंद पंक्तियां हैं जिससे मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। मुझको थोड़ा कम लिखना है लेकिन अति उत्तम लिखना है, मुझको थोड़ा कम लिखना है लेकिन अति उत्तम लिखना है, और जो सरगम में गाया जाए मुझको ऐसा गम लिखना है, जो सरगम में गाया जाए मुझको ऐसा गम लिखना है। मैं अन्नपूर्णा जी से विनती करता हूँ वे आए और अपनी रचना सुनाकर हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार, मैं आज डिवाइन मेलोडी के इस कार्यक्रम तहजीब में अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ।
और यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जनों का भी स्वागत करती हूँ और कुछ पंक्तियां रखती हूँ। जैसा कि अभी उम्मीद जी ने कहा मेरे बारे में, तो मैं कहूंगी कि उम्मीद तो मैं आशावादी मैं बहुत ही हूँ। तो कुछ पंक्तियां सबसे पहले मैं प्रेरित करने वाली प्रेरित पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। नटखट मन अब वश कर झटपट, नटखट मन अब वश कर झटपट, तय कर लक्ष्य पकड़ क्षण झटपट। नटखट मन अब वश कर झटपट, तय कर लक्ष्य पकड़ क्षण झटपट। पल पल बदलत समय न ठहरत, पल पल बदलत समय न ठहरत, धर अवसर या सरकत सरपट, सरकत सरपट। अब इसके साथ ही एक अपने इष्ट देव को याद करते हुए एक छोटी सी घनाशली प्रस्तुत करती हूँ। छोटे छोटे पग धरे किलकत श्याम चले, छोटे छोटे पग धरे किलकत श्याम चले, छन छन बजती है पाव की भजनिया, मयूर मुकुट माथे घुघराले केस काले, मयूर मुकुट माथे घुघराले केस काले, नयन अभिराम लगे कान लटकनिया। पट पित अंग सोहे हाथ में बांसुरी मोहे, पट पित अंग सोहे हाथ में बांसुरी मोहे, मन हर लेती है ये मंद मुस्कनिया, नजर किसी की कहीं लाल को न लग जाए, नजर किसी की कहीं लाल को न लग जाए, सोचे मैया बांधती है कटी कर धनिया, सोचे मैया बांधती है कटी कर धनिया। और अभी मैं अगला अपना जो कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि मैं उत्तर भारत से हूँ और उत्तर भारत में हमारे सावन के समय में जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनको उनके मायके बुलाया जाता है, ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और इसमें पिता या भाई जाते हैं और उनको ससुराल से विदा करा के लाते हैं। यहाँ पे नायिका के साथ है कि उसके पिता को समय लग गया थोड़ा और वो एक मीठा उल्हाना दे रही है अपने पिता को, कैसे सुनिएगा। श्याम घटा घीर नैना न झूमत, बाबूल भूल गए बिटिया को, श्याम घटा घीर नैना न झूमत, बाबूल भूल गए बिटिया को, राह निहार थके उर पूछत, झुक कहो कुछ सैन सुता को, झूलत झूमत गावत सावन, झूलत झूमत गावत सावन, सावन याद करे तनया को, आवत क्यों नहीं तात अभी तक, आगम आस लगी दुहिता को, आवत क्यों नहीं तात अभी तक, आगम आस लगी दुहिता को। और अभी एक छोटी सी प्रस्तुति, इन पंक्तियों में आप लोग देखेंगे कि नायिका का जो पति है वो परदेश से काफी लंबे समय बाद आया है, तो उसकी खुशी देखिएगा। मचलत दमकत नयन चपल सम, मचलत दमकत नयन चपल सम, पग धर नभ पर चलत सनन सम, मचलत दमकत नयन चपल सम, पग धर नभ पर चलत सनन सन, बरस बरस पर अगम सजन घर, दरस पड़त जब बहकत चटमन, बहकत चटमन। और आगे की खास पंक्ति उसका आग्रह है अपने पति से कि आप रुक जाइए, अभी अब फिर परदेश मत जाइए। सतत बजत कर धन छन छन छन, सतत बजत कर धन छन छन छन, वलय कहत कर खनन खनन खन, धवतज भटकन नगर डगर अब, धवतज भटकन नगर डगर अब, जलज नयन तट बस बन दर्पण, बस बन दर्पण। बहुत ही सुंदर रचनाएं अन्नपूर्णा गुप्ता सरगम जी की, और बिल्कुल अपने नाम को चरितार्थ किया उन्होंने आज, और जो रचनाएं सुनाई उसमें सरगम की ध्वनि निकल रही थी बिल्कुल, और बिल्कुल सब सुनने वाले मुग्ध थे।
बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी का। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब नारी अभिव्यक्ति के नाम पर केवल नारी के शोषण की बात लिखी जाती थी और उसको कैद करके रखा गया, ऐसी बात लिखी जाती थी। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, नारी या पुरुषों के बराबर आकर खड़ी हो चुकी है और इस तरह की रचनाएं जब आती है तो लगता है कि उस व्यथा के साथ साथ एक सुख भी है उसके जीवन में जो उसकी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने आता है। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर। इसके बाद अब मैं मुंबई की एक और प्रमुख कवियत्री को आवाज देना चाहता हूँ। हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। उनका नाम है सीमा त्रिवेदी जी। बहुत ही अच्छा लिखती हैं, वरिष्ठ हैं और काफी समय से लिख रही हैं। सीमा त्रिवेदी जी महाकवि, कवि एवं लेखक श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली कोलकाता से आती हैं और वे चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं और अकाउंट के क्षेत्र में उनको 10 वर्षों का अनुभव है। काफी अच्छा हिसाब किताब रखती होंगी हर चीज में। इसके अतिरिक्त उनके भीतर एक कलाकार भी है जो कि उनकी इस क्षेत्र से बिल्कुल अलग की क्षेत्र है। एक कलाकार है जो हमेशा एक नया करने का, नया सोचने का, नए नए आयाम देने का प्रयास करता है। जैसे संगीत में उनकी रुचि होना, लेखन में उनकी रुचि होना, नृत्य में भी उनको रुचि है, तो ये दो विरोधाभास गुण उनके भीतर मौजूद हैं। तो उनका कहना है कि खुद से खुद की पहचान अभी बाकी है, ये उन्हीं की पंक्तियां हैं, खुद से खुद की पहचान अभी बाकी है, इस चेहरे में व्यक्तित्व की तलाश अभी बाकी है, ए वक्त थोड़ा तो ठहर जा, जिंदगी के कुछ अनुभवों से मुलाकात अभी बाकी है, परंतु मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उनको रेहाना रूही के कुछ अशार हैं, कुछ पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, वजह कोई भी हो, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। इसी के साथ सीमा त्रिवेदी जी को रयाएं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। नमस्कार। मेरा परिचय तो इन्होंने दे ही दिया, शायद इस परिचय से मुझे खुद पे रश्क हो रहा है कि बिटिया को भी मेहमान ना समझा जाए। और कहीं पढ़ा था, मैं सीमा त्रिवेदी हूँ और आप सभी का, सारे गुणीजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक से एक रचनाएं पढ़ी जा रही हैं यहाँ पे और आप सभी सब दर्शकों को भी मैं सलाम करती हूँ। मेरा ये दूसरा मौका है डिवाइन मेलोडीज की तहजीब पे और हमारे भाई साहब जो किशन सेठी साहब हैं वो हम नारियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों के लिए स्पेशल बिल्कुल काव्य सम्मेलन आयोजित करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। मैं थोड़ी बिंदास किस्म की हूँ। कहीं मैंने पढ़ा था, एक परिचय तो इन्होंने दिया, एक कहीं मैंने पढ़ा था, ना किसी अभाव में जीती हूँ, ना किसी प्रभाव में जीती हूँ, जिंदगी मेरी है, मैं मस्त अंदाज में जीती हूँ। बिल्कुल मैं मस्त अंदाज में जीती हूँ और मेरे जो दोस्त हैं वो भी मुझे इसी अंदाज में जानते हैं। आज नारी अभिव्यक्ति की बात हो रही है, अभिव्यक्ति रिश्तों से जुड़ी होती है और एक नारी के जीवन में जो सबसे पहला रिश्ता होता है वो सशक्त हाथ होता है जो उसे गोद में उठाता है और फिर उसे उंगली पकड़ के जीवन में सबल बनाता है और वो रिश्ता होता है उस बच्चे का, उस नारी का अपने पिता से। तो आज की रचना, जो पहली रचना, मैं जन्मदाता पिता को समर्पित करती हूँ और उसका
शीर्षक है मेरे बाबा। अगर आप इसमें आपको अपने बाबा अपने पिता दिखे तो जरूर हौसला बढ़ाइएगा। तालियों से स्वागत है। सुनिए, रोज सुबह मेरे सिरहाने मेरे बाबा आते हैं। मेरे माता पिता अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो मेरी संस्कारों में, मेरी बातों में, मेरे व्यक्तित्व में है। तो उनको समर्पित ये रचना है। रोज सुबह मेरे सिरहाने मेरे बाबा आते हैं, माथे पे एक बोसा दे के, बोसा मीन छोटा सा प्यार भरा चुम्बन, माथे पे एक बोसा दे हौले से सहलाते हैं। रोज सुबह मेरे सिरहाने मेरे बाबा आते हैं। माँ के पायल के रुंझुन में मंदिर की घंटी लगती है, माँ के पायल के रुंझुन में मंदिर की घंटी लगती है। देख मुझे तेरे कांधे पर फुआ बहुत सुलगती है, देख मुझे तेरे कांधे पर फुआ बहुत सुलगती है। बूढ़े बरगद के झुरुट में आसमान की सीढ़ी है, चंदा मामा के हाथों तारों की एक छतरी है। मेरे सपनों के सरगम में, मेरे सपनों के सरगम में ये सारे किस्से गाते हैं। रोज सुबह मेरे सिरहाने मेरे बाबा आते। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह वाह। अब गांव का एक चित्रण है। चूल्हे में अम्मा के सोंधी, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से होंगे तो ये शब्दों को समझ पाएंगे। चूल्हे में अम्मा के सोंधी चोखा मकुनी पकती है, चूल्हे में अम्मा के सोंधी चोखा मकुनी पकती है, पर पहली थाली गांव के बूढ़े हरिया को ही परसती है। पहली थाली गांव के हरिया को ही परसती है। हारूना जीवन रण में मैं इसकी पूरी तैयारी, हारूना रण जीवन में मैं इसकी पूरी तैयारी है। स्वालंबन की शिक्षा तो अखाड़े में भी जारी है, स्वालंबन की शिक्षा तो अखाड़े में भी जारी है। भगवा चैती गाते तुम, भगवा चैती गाते तुम, बंडी पगड़ी में जचते हो, भगवा चैती गाते तुम, बंडी पगड़ी में जचते हो। ओ 70 साल के जवान हीरो मेरे दिल में आज भी बसते हो, ओ 70 साल के जवान हीरो। हो अब मिलते केवल तस्वीरों में, हो अब मिलते केवल तस्वीरों में, ये नयन अश्रु भर जाते हैं। हो अब मिलते तस्वीरों में, ये नयन अश्रु भर जाते हैं, पर रोज सुबह मेरे सिरहाने मेरे बाबा आते हैं। मेरे सिरहाने मेरे बाबा आते हैं। माथे पे एक बोसा दे मुझको हौले सहलाते हैं। रोज सुबह मेरे सिरहाने मेरे बाबा आते हैं। वाह भाई वाह, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। और मुझे पता है कि सबको इसमें, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, वो मर्द हो या औरत हो, अपने बाबूजी जरूर दिखे होंगे। अभी एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी जिसे मैंने, ये प्यार की कहानी अभिव्यक्ति है, और आज अभिव्यक्ति मैं प्यार की कर रही हूँ, प्रेम की कर रही हूँ। तो ये एक प्यार की कहानी है, अनकहे अल्फाज। काश तुमने कह दिया, काश तुमने कह दिया होता, मिले थे जब हम तुम फिर एक बार, उस बरसाती शाम में टपरी वाले चाय की दुकान में, मिले थे जब हम तुम उस बरसाती शाम में चाय वाले टपरी के दुकान में, पर्दाए झिलमिल बूंदों के बीच, पर्दाए झिलमिल बूंदों के बीच, जो चाहे थे हम भूलना दुनिया की रीत, पर्दाए झिलमिल बूंदों के बीच, जो चाहे थे भूलना दुनिया की रीत, झांके थे हम तुम सुरमई आंखों में, झांके थे हम तुम सुरमई आंखों में, छोड़े क्या कुछ निशान एक दूसरे की सांसों में, खामोशी रही पसरी पर दरमिया हमारे, खामोशी रही पसरी पर दरमिया हमारे, रात की बाहों की शाम हम दोनों को निहारे। मुझे इंतजार था, मुझे इंतजार था तुम शायद कह दो, मुझे इंतजार था तुम शायद कह दो,
वो अनकहे अल्फाज, वो अनकहे अल्फाज। कहानी आगे बढ़ती है। चूड़ी की खनक, पायल की झनक, देह की हल्दी, हाथों की मेहंदी, कतरा कतरा यूं टूटी थी मैं, कतरा कतरा यूं टूटी थी मैं, किस्मते इश्क पे मानो लूटी थी मैं, कतरा कतरा यूं टूटी थी मैं, किस्मते इश्क में मानो लूटी थी मैं, घूंघट की ओट से दिखी फिर वही आंखें गहरी, घूंघट की ओट से दिखी फिर आंखें वही गहरी, तूफाई इश्क लिए मुझ पे ही थी ठहरी, तूफाई इश्क लिए मुझ पे ही थी ठहरी, शहनाइयों का शोर था पर मैं सुन लेती थी ना, शहनाइयों का शोर था पर मैं सुन लेती थी ना, गर लफ्ज़े बयां होते वो अनकहे अल्फाज, वो अनकहे अल्फाज। आज अरसे बाद फिर दिखे हो मंजरे चश्म में तुम फिर खिले हो, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक चाय की दुकान पे, स्टेशन की प्लेटफॉर्म पे एक चाय की दुकान पे झांकती चश्मे से दो वही खामोश आंखें, झांकती चश्मे से दो वो खामोश आंखें, बेख्याली में मुझे वैसे ही ताके, बेख्याली में मुझे फिर वैसे ही ताके, मैं बुज़दिल था बोल ना सका, मैं बुज़दिल था मैं बोल ना सका, राजे दिल में खोल ना सका, पर समझ तो तुम सकती थी ना, एक शिकायत है, पर समझ तो तुम सकती थी ना, हाले दिल पढ़ सकती थी ना, क्या हुआ करना हुआ, क्या हुआ करना हुआ बयां, वो अनकहे अल्फाज, वो अनकहे अल्फाज। बहुत ही सुंदर रचनाएं सीमा त्रिवेदी जी की, और एक अच्छी कवियत्री या कवि वो होता है जो शब्दों के माध्यम से आपको वो दिखाए जो आप सामने से नहीं देख पा रहे हैं। शायरी में इसको मंजर कशी कहते हैं, जैसे बूढ़े बरगद के झुरमुट से और जो उनकी पंक्तियां थी उससे एक अपने आप में एक दृश्य बन जाता है आंखों के सामने, और ये एक सफल कवियत्री या कवि की पहचान होती है। बहुत बहुत बधाई सीमा जी को। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कविता और नारी दोनों एक दूसरे का पर्याय ही हैं। उसका कारण क्या है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। देखिए, कविता वो होती है जो आपके कुछ सवालों का जवाब देती है और अंत में कुछ और ऐसे सवाल आपके सामने खड़े करती है जो आने वाले युग के हों या आज के युग के हों। तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छी कविता अंत में एक और कविता को जन्म देने की संभावना रखती है या देती भी है। ठीक उसी तरह एक नारी होती है जो अपने आप में परिपूर्ण होती है, परंतु इस जीवन चक्र को आगे चलाने के लिए वो एक और संतान को जन्म देती है जिसके कारण ये पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। तो इसी तरह कविता होती है जो एक और कविता को जन्म देने का मादा रखती है और साहित्य का चक्र भी चलता रहता है। इस दृष्टि से मैं दोनों को एक बराबर मानता हूं। और इसके बाद अब मैं आपके सामने एक और प्रमुख कवियत्री को प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब जो कवियत्री आपके सामने आएंगी वो पूरी तरह से काव्य को समर्पित कवियत्री है। गीत, गजल, छंद एवं कविता विधा में लिखती हैं और कई प्रमुख पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, हो भी रही हैं, और बहुत सारे सम्मान प्राप्त करने का गौरव हासिल है आपको। और आपकी एक किताब उसकी मोहब्बत को प्रकाशित हो चुकी है और एक किताब ऐसी भी है जो प्रकाशित होने के लिए तैयार है। किताब का शीर्षक है आंसू और मुस्कान, और आने वाली किताब के लिए आपको शुभकामनाएं। और इसी के साथ इनका एक शेर है जो मुझे अच्छा लगता है, वो किस तरह से है, छोटी बहर का शेर है। हमने आसान जिंदगी कर ली, हमने आसान जिंदगी कर ली, गीत गजलों से दोस्ती कर ली,
गीत गजलों से दोस्ती कर ली। इन्होंने गजलों का जिक्र छेड़ा तो मुझे अपना एक मतलब शेर याद आ गए कि कविता लिखना, मैं उन्हीं से आमंत्रित करना चाहता हूँ इनको कि कविता लिखना, गजलें कहना सबके बस की बात नहीं। कविता लिखना, गजलें कहना सबके बस की बात नहीं, और आईना दिखलाते रहना सबके बस की बात नहीं। और बहुत शुक्रिया। और अपना अपने पास ही रखकर औरों का भी गम ले ले, अपना अपने पास ही रखकर औरों का भी गम ले ले, और बना ले गम को गहना सबके बस की बात नहीं, और बना ले सब गम को गहना सबके बस की बात नहीं। इसी के साथ बिट्टू जैन तन्ना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। नमस्कार, वंश को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, और आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत एक छोटे से मुक्तक से करती हूँ, सुनिएगा। पीछे से सजन हमको पुकारा ना कीजिए, पीछे से सजन हमको पुकारा ना कीजिए, दिलकश नजर में मुझको इशारा ना कीजिए, दिलकश नजर में मुझको इशारा ना कीजिए। दिल जान तो हाजिर है मगर एक गुजारिश है, दिल जान तो हाजिर है मगर एक गुजारिश है, भरी महफिल में हमको निहारा ना कीजिए, हमको निहारा ना कीजिए। क्या चेतावनी है, क्या चेतावनी है, क्या चेतावनी। चलिए एक गजल पेश करेंगे, सुनिएगा। पहले लताजी आपको समर्पित है ये शेर। मतलब हमारा हुस्न भी ढल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, हमारा हुस्न भी ढल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बताएगा हकीकत आईना आहिस्ता आहिस्ता, बताएगा हकीकत आईना आहिस्ता आहिस्ता। और शेर यूं हुआ है, होता ना शाही या जमूरियत कोई हुकूमत हो, होता ना शाही या जमूरियत कोई हुकूमत हो, गरीबों को सूखा काटा किया आहिस्ता आहिस्ता, गरीबों को सूखा काटा किया आहिस्ता आहिस्ता। अगला शेर हुआ है, छुपा रखे हैं क्या अरमान दिल में सब उगल दोगे, सीमा जी ध्यान रखिए, छुपा रखे हैं क्या अरमान दिल में सब उगल दोगे, मेरी जुल्फों के पैचो कम में आ आहिस्ता आहिस्ता, मेरी जुल्फों के पैचो कम में आ आहिस्ता आहिस्ता, बताएगा हकीकत आईना आहिस्ता आहिस्ता। अगला शेर अर्ज करती हूँ, अन्नपूर्णा आपको समर्पित है ये शेर। तुम्हें इस खूबसूरत जिस्म पर जो नाज है इतना, तुम्हें इस खूबसूरत जिस्म पर जो नाज है इतना, फना हो जाएगा क्या पता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बताएगा हकीकत आईना आहिस्ता आहिस्ता। अगला शेर करती हूँ, जो आए हो तो रुक जाओ सहर होते चले जाना, जो आए हो तो रुक जाओ सहर होते चले जाना, सहर तक मुझको बहलाओ जरा आहिस्ता आहिस्ता, सहर तक मुझको बहलाओ जरा आहिस्ता आहिस्ता। मत्ते का शेर पेश करती हूँ, सना जब उम्र थी आंखें लड़ाई खूब हमने भी, सना जब उम्र थी आंखें लड़ाई खूब हमने भी,
तकाजा उम्र का कम हुआ, तकाजा उम्र का कम हुआ, आहिस्ता 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 बताएगा हकीकत आईना, आहिस्ता आहिस्ता। वाह भाई वाह, मोहब्बत है इशारा कर बता देना, अगर हमसे मोहब्बत है इशारा कर बता देना, मिले नजरें झुका पलके, मिले नजरें झुका पलके, जरा तुम मुस्कुरा देना, मिले नजरें झुका पलके, जरा तुम मुस्कुरा देना। और शेर यूं हुआ है, कभी तन्हाइयों में जब हमारी याद आए तो, कभी तन्हाइयों में जब हमारी याद आए तो, चले आना बिना खटके गिले शिकवे मिटा देना, चले आना बिना खटके गिले शिकवे मिटा देना। अगला शेर अर्ज करती हूँ, दादा गौर फरमाइएगा। बड़ा नाजुक है दिल शीशे सा देखो टूट जाएगा, बड़ा नाजुक है दिल शीशे का देखो टूट जाएगा, सनम अच्छा न दर्द दिल हमें बेइंतहा देना, सनम अच्छा न दर्द दिल हमें बेइंतहा देना। यूं कहने को तो शायर हो गजल कहते हो औरों पर, यूं कहने को तो शायर हो गजल कहते हो औरों पर, किसी से कम नहीं हम, हमें भी सुना देना, आपको सुनने के लिए मक्ते का शेर पेश करती हूँ, गौर फरमाइएगा। तुम्हारी बेरुखी ये जान ले लेगी सना मेरी, तुम्हारी बेरुखी जान ले लेगी सना मेरी, करीबी गैर से रखना हमें छुप छुप दगा देना, करीबी गैर से रखना हमें छुप छुप दगा देना, मिला नजरें झुका पलके जरा मुस्कुरा देना, मिला नजरें झुका पलके जरा मुस्कुरा देना। इसी के साथ मैं विराम चाहती हूँ, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत गजलें, बहुत ही खूबसूरत कविताएं बिट्टू जैन सना जी ने प्रस्तुत की, बिल्कुल एक अलग ही माहौल पर इस मुशायरे या कवि सम्मेलन को पहुंचा दिया उन्होंने। बहुत बहुत बधाई बिट्टू जैन जी को।